हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय सक्सेस इंजीनियर चैनल। गाइस, आज का टॉपिक अपना किरचॉफ लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉ के ऊपर। किरचॉफ लॉ है क्या? तो किरचॉफ लॉ एक जर्मन साइंटिस्ट है, इनका नाम गुस्टाफ किरचो था। इन्होंने अपने नाम के ऊपर एक लॉ बनाया था, गुस्टाफ किरचॉफ। और इन्होंने इलेक्ट्रिकल सर्किट में होने वाली सभी परेशानी को सोल्व करने के लिए इन्होंने दो बनाए, वोल्टेज और करंट को फाइंड आउट करने का लॉ बनाया। किरचॉफ लॉ दो टाइप के हैं, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। डेफिनेशन है किरचॉफ करंट लॉ की, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट जंक्शन इज जीरो। जब भी जितने भी हमारे करंट होंगे एक मीटिंग पॉइंट पे मिलेंगे, किसी भी एक मीटिंग पॉइंट पे, उसे उस जगह उनका जो सम होगा अलजेब्रिक वो जीरो होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल रहे हैं इनका, यहाँ पे इस जगह एक अलजेब्रिक सम जो होगा वो जीरो होगा। ये आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा केसीएल है उसके अंदर जो हमारा मीटिंग पॉइंट होता है जीरो किधर होता है, किधर होता है जीरो, तो वो आप बताओगे मीटिंग पॉइंट पे ही जीरो होता है। ओके, और यहाँ पे इनकमिंग करंट हम मैंने पॉजिटिव ले रखा है और नेगेटिव करंट को, सॉरी आउटगोइंग करंट को मैंने नेगेटिव करंट लिखा, नेगेटिव डेट कर रखा। ये हमारी आउटगोइंग है, ये तीनों हमारी इनकमिंग है। हम इसको इक्वल को उधर ले जाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ओके, केसीएल हमारा दो टाइप का होता है, दो टाइप मीन्स सॉरी केसीएल हमारे केसीएल को जो होता है हमारा उसको हम दो नाम से जानते हैं, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ की। इन अ क्लोज सर्किट मेंस द अलजेब्रिक सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्लस द अलजेब्रिक सम ऑल द वोल्टेज ऑफ इज जीरो। मतलब कि किसी भी लूप के सभी वोल्टेज, अगर आप दूसरी लाइन में बोलें, किसी लूप के सभी वोल्टेज का अलजेब्रिक सम जीरो होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, कंसीडर कीजिए ए टू बी ब्रांच में हमारा करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, इस तरफ लेफ्ट टू राइट। तो हमारा लेफ्ट टू राइट जब हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा उस समय जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव होगा। जब हम अब B टू A कंसीडर कीजिए, जब हम B टू A कंसीडर करेंगे तो हमारा जो वोल्टेज होगा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, बट हमारा जो वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, KCL को हम सॉरी KVL को हम दो नाम से जानते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ। अब मैंने आपको यहाँ पे किरचॉफ सेकंड लॉ को एक इक्वेशन के साथ आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम ले रखा है जिसके अंदर मैंने एक वोल्टेज सप्लाई दे रखी है, दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं। ओके, और ये लूप है, मैंने इसमें क्लॉकवाइज आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर हमें देखना है कि किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, वोल्टेज हमारा V इज इक्वल टू में आई आर होता है हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला। यहाँ पे देखना है कि हमारा जो वोल्टेज है वो इक्वल है आई आर, करंट इक्वल है। ओके, तो हमारा वी एस पॉजिटिव नेगेटिव आई आर वन फिर पॉजिटिव नेगेटिव आई आर टू इज इक्वल टू जीरो। तो वी एस क्या जाएगा, जब हमारी ये नेगेटिव टर्मिनल सॉरी नेगेटिव वैल्यू इक्वल किधर आ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा ये बन जाएगा वी एस इज इक्वल टू में आई आर वन जमा आई आर टू। आई हमने इन दोनों में कॉमन ले लिया तो वी एस इज इक्वल टू में आई ब्रैकेट आर वन जमा आर टू। आर वन को मैंने आर वन की लेट कर लिया है कि आर वन जो आर वन जमा आर टू है वो हमारा आर टी है, तो वी एस इज इक्वल टू में आई आर टी हो गया। ओके, अब मैं आपको इसको और न्यूमेरिकल से समझाता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा समझ। हमने तीन रेजिस्टेंस ले रखे हैं जिनकी वैल्यू है 10 ओम 20 ओम 30 ओम, और वो कनेक्ट है सीरीज में 12 वोल्टेज की सप्लाई के साथ। हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट का करंट और एक रेजिस्टेंस के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और किरचॉफ लॉ से वेरीफाई करना है। ओके, तो देखते हैं टोटल रेजिस्टेंस को, जितने हमारे रेजिस्टेंस हैं सबको हम ऐड कर देंगे रेजिस्टेंस को, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आर वन जमा आर टू जमा आर थ्री 10, 20 और 30 इज इक्वल टू में 60 हमारा ओम हो गया यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस। अब हमें करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट का आप जानते हैं फॉर्मूला कहता है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ओम्स लॉ से आप तीन फॉर्मूले निकाल सकते हो। ओके, तो आपने क्या करा, आई इज इक्वल टू में वी अपॉन आर, वी क्या हमारा 12 वोल्टेज सप्लाई और आर टी यानी हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना हमारा 60, 12/60 यानी हमारा जो करंट फ्लो होगा इसमें 2 एम्पियर का हमारा करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। ओके, आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा।
अब हम बात करते हैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, तो V इज इक्वल टू में आई आर करेंगे तो हमें वोल्टेज पता जाएगी। तो अब हमें V इज इक्वल टू में आई आर करेंगे तो V इज इक्वल टू में आई आर, तो हमें एक रेजिस्टेंस के देखना तो आई पर आर वन लिख देंगे, ठीक है। तो जीरो हमारा 0.2 हमारा करंट होगा मल्टीप्लाई टेन हमारे रेजिस्टेंस आर वन की वैल्यू होगी, तो हमारा आर वन रेजिस्टेंस के अंदर दो वोल्टेज का करंट ड्रॉप हो रहा है। सेम ऐसी आर टू में देखेंगे तो उसके अंदर भी हमारा 4 वोल्टेज का करंट ड्रॉप हो रहा है, R3 में 6 वोल्टेज का करंट ड्रॉप हो रहा है। अब हमें किरचॉफ के सेकंड लॉ से में देखना है, तो हम देखते हैं Vs हमारी 12 वोल्टेज सप्लाई है। ये क्वेश्चन आपको बता दूं किस तरह है, पहले Vs पॉजिटिव, ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव मैंने यहाँ पे ले रखा है, पॉजिटिव लिख सकते हैं, ब्रैकेट आपको बंद करना पड़ा, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, तो माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू माइनस आई आर थ्री फिर पॉजिटिव हमारी वैल्यू हमारी सप्लाई इज इक्वल टू में जीरो। ओके, तो यहाँ पे 12 आई आर वन की वैल्यू हमारी यहाँ से ले लो, ठीक है, आई आर वन की वैल्यू हमारी एम्पियर कितना है 0.2 एम्पियर हमारा करंट है आई, और हमारा आर वन हमारा रेजिस्टेंस है 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -2 हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव -2 हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे हमें आई हमें पता है करंट कितना है 0.2, आर टू की वैल्यू पता है 20 है, तो 0.2 मल्टीप्लाई 20 4 हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 4 हो गया, सेम ऐसे यहीं पे होगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 0.2 मल्टीप्लाई आर थ्री की वैल्यू हमारे को पता है 30 है, तो हमारा यहाँ पे 6 होगा इसको मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल टू में 0। अब हमें नेगेटिव जो हमारी वैल्यू है उससे हमें इक्वल को उधर ले जाएंगे तो हमारी पॉजिटिव आएगी, तो हमारा जो वोल्टेज सप्लाई हमने यहाँ पे 12 वोल्टेज सप्लाई दी है, तो हमारा 12 इज इक्वल टू में 12 इज इक्वल टू में 2 जमा 4 6 6 जमा 6 इज इक्वल टू में 12, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारी प्रूफ हो गया कि वो इक्वल है। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो प्लीज हमें कमेंट करके